वेलकम टू द अल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, आज हमारे बेहतरीन टॉपिक है और मुझे उम्मीद है आप फ्रेश होंगे, तरोताज़ा होंगे, पुरसकून होंगे, रिलैक्स होंगे, खुश होंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि आप बहुत से उलूम के मुतलाशी होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी तौर तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। आज नाज़रीन एक बेहतरीन टॉपिक है, हम अपने सलाहियतों को जानना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अपने 95% सलाहियतों का हम इस्तेमाल करने के काबिल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह की तवानाई यानी हमारी जिस्मानी और मेंटली तवानाई ताकत को ज़ोर करना चाहते हैं, ताकत को लेना चाहते हैं। आप कॉल भी करेंगे हमें, अपने से स्टूडेंट भी कॉल करेंगे हमें, अपने राय से हमें आगाह करेंगे। और इसी तरह एक कॉल होल्ड पे है, जो आज का जो टॉपिक है वो है समदा और हमारा सेहत, समदा हीलिंग और हमारा सेहत। टॉपिक है समदा हीलिंग और हमारा सेहत। एक कॉल होल्ड पे कॉल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि कैसे ये टॉपिक के मुताबिक कैसे ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गए। पर नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि टॉपिक कैसे और किस तौर तरीके से हम अपने सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला के एक ताकतवर इंसान हैं और जो आज जो टॉपिक है समदा हीलिंग और हमारी सेहत, कुछ ऐसी बात है जो बहुत ही सालों से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, कि हमारा ताल्लुक कायनात के साथ, हमारा रिश्ता कायनात के साथ, हमारा रिश्ता इनविजिबल फोर्स के साथ, हमारा रिश्ता हीलिंग के साथ, हमारा रिश्ता मैग्नेटिक फोर्स के साथ कैसा है, ये तमाम चीज़ें अभी इस पे बात करेंगे। एक कॉल हमारे साथ शामिल है, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर डॉक्टर फारूक बोल रहा हूँ, चकवाल से। डॉक्टर फारूक चकवाल से, कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने आपका समदा लेवल 1-4 अटेंड किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में पिंडी में। अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर अक्टूबर में, माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद आपको याद हो, मैं ओरल सर्जन हूँ, मैं डेंटल सर्जन। डेंटल सर्जन, बिल्कुल 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 याद है, बिल्कुल याद है। हाँ, आपने मुझे जी एक चैनल पे आपने मुझे कॉल किया था, एक और चैनल था ना, और फिर उसके बाद आप तशरीफ ले आए और अल्लाह ने आपको बड़ी माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी बड़े अच्छे तजुर्बात किए। मैं तो शेयर करना चाहूंगा कि दैट वाज वंडरफुल वंडरफुल रिजल्ट्स थे जी जी। क्रॉनिक डिप्रेशन थी मुझे लास्ट 12 इयर्स से। हाँ हाँ हाँ, तो आई वाज ऑन मेडिसिन, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ये राउंड अबाउट मेरा ख्याल 5-6 महीने होने वाले हैं, तो टोटली मैंने मेडिसिन वगैरह छोड़ दी हुई है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक है। That's very fine, very fine sir. इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा next year, I think next month April में आप पिंडी फिर आ रहे हैं ना इंशाल्लाह? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे ये हफ्ता नहीं, इस हफ्ते में, ये कराची में है, इस हफ्ते को कराची में है, इस आने वाली सैटरडे को कराची में, अगले सैटरडे को पिंडी में है, तो आप सैटरडे को, हाँ अगले सैटरडे को पिंडी में, इस आने वाले सैटरडे को नहीं, इससे अगले जो सैटरडे आने वाले हैं पिंडी में है। जी जी, पिंडी में है। ठीक है सर, जरूर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगा। बिल्कुल तशरीफ ले, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तो हैरान हूँ, दैट वाज वंडरफुल, बहुत मजा आया और बहुत जबरदस्त रिजल्ट थे। जी जी, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और खुशियां दे, ताकत अता फरमाए, और इंशाल्लाह और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और आप और अच्छे बेहतर तौर तरीके से इसको समझते हैं और बेहतर तौर तरीके से। मैं तो सर्जरी कभी कर रहा था, ओरल सर्जरी शुरू करने लगा था, तो मुझे तो जब से समझ लेवल किए हैं तो मेरी परफॉर्मेंस अल्लाह का शुक्र है बहुत वंडरफुल है, बहुत बेहतर हो गई है।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, मैं भी सर्जरी करता था ऑपरेशन थिएटर में, जी और कुछ एनेस्थीसिया कभी कभी देता तो बिल्कुल विदाउट केटामिन केटालार, विदाउट दिस थिंग। मैं जो है ना पेशेंट को अच्छा एनेस्थीसिया देता और बेहतरीन तौर तरीके से रिकवरी होती, बहुत अच्छा मजा आता। वंडरफुल। समदा सेवन से ये पॉसिबल। जी जी बस सर, दिस इज मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये अपने जो नाजरीन सब देख रहे हैं स्टूडेंट को, ये कहना चाहूंगा कि दिस इज वंडरफुल। सब लोगों से ये कहूंगा कि वो आए एक दफा जरूर अटेंड करें, बल्कि रादर मेरे पास जो अपने पेशेंट्स आते हैं ना, जो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं, ओहो हाँ सही। हाँ, तो मैं तो उनको भी रिफर करता हूँ आपकी तरफ। मैं कहता हूँ अगर आप एक साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, इससे बेहतर है कि आप एक दफा जरूर समझा लेवल करें, उनके रिजल्ट जरूर चेक करें। डॉक्टर साहब, आपके ये बड़ी खुलूस से मोहब्बत है, क्योंकि हमारे भी इस तरह स्टूडेंट्स के साथ एक खुलूसी दिल और एक मोहब्बत का राह बन जाता है, राह से राह बनते हैं। और अल्लाह जी ताला बिल्कुल, जी आपको बड़े खुशियाँ और ताकत अता फरमाए। आपका मैं देखता हूँ फेसबुक पे भी आपके बड़े अच्छे कमेंट्स होती है। अल्लाह आपको जी जी बहुत सारे बिल्कुल, खुशियाँ दें और ताकत अता फरमाए। और मैं आपके एक बार आपके साइट पे गया था, आपके जो है ना आईडी पे। जी सर, आपने मेरी बिल्कुल एक वो कहने के फोटो को आपने लाइक किया, और थैंक यू वेरी बिल्कुल मच, मैं बिल्कुल, आपका यू आर बहुत शुक्रिया वेलकम, अदा करूंगा। यू आर वेलकम। आपके कमेंट कमेंट देख के ना वो इतना मुझे अच्छा लगा। तो जी फेसबुक पे आपने बड़े अच्छे कमेंट सर, किए। वो तो सर जरा नवाजी है आपकी, जी मुझे बड़ी बहुत खुशी हुई है। तो हाँ मेरी स्नैप पे आपने उसको लाइक किया हुआ था, बहुत खुशी जी हुई मुझे। एक रिक्वेस्ट करूंगा जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप फरमाएं बिल्कुल। सर, अगर काइंडली थोड़ी सी डिस्टेंट हीलिंग आप कर दीजिएगा ना प्रोग्राम से फारिग होके। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आपने बस दिल में रखे तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र है। ठीक है डॉक्टर इंशाल्लाह साहब, इंशाल्लाह, आप इतने अच्छे हैं और इतने आपके हर जगह आपका ख्याल रखते हैं, हर जगह पे आप, और इतना आप वहां से चकवाल से आप आते हैं, पिंडी आते हैं, जी और फिर आपके इतने अच्छे कमेंट्स फेसबुक पे होते हैं, ये एक दिल खलुस होते हैं। और फिर यहाँ प्रोग्राम में आप कॉल आपके लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, आप याद करते हैं। बस सर, तो मैं तो चाह रहा था कि अक्टूबर में किया था, तो अगले नवंबर दिसंबर में मैं करना चाह रहा था अगले लेवल। तो सही मेरे अपने कुछ कोर्सेज आ गए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डिले करना पड़ा। तो इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट कमिंग जो है, इंशाल्लाह तआला आई विल बी देयर। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, जरूर जरूर लाजमी आप तशरीफ ले आएंगे और तमाम करें, क्योंकि आपके लिए बड़े अहम जरूरी बात इसलिए है, आपके लिए जरूरी ये है कि आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से इस खैरात, इस सदका, इस सारे कुछ को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, है ना। जी सर, दिस इज वंडरफुल 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 जी एक्सपीरियंस। जी 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 बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप जो टॉपिक के मुताबिक है डॉक्टर साहब, टॉपिक ये जी है मैं कि तो सर ये कहना चाहूंगा कि अपना समदा जो है, ये तो माशाल्लाह से लोगों में मेडिसिन के अलावा जो है वो एक तरह की सेहत बांट रहा है, सेहत सही तकसीम कर रहा है। सही सही डॉक्टर साहब सही। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स के जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो जरूर एक दफा आए, समदा की क्लासेस अटेंड करें, बिल्कुल और इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे, वो बहुत ऐसे ऐसे लोग, मतलब डिप्रेशन अब ऐसी चीज है जिसमें से लोग बहुत सारे मायूस हो चुके होते हैं। बड़े मायूस हो चुके हैं, आपको बड़ा तजुर्बा है, जी अल्लाह ने आपको आई हैव अ क्यों लॉन्ग किया। एक्सपीरियंस, जी 11-12 साल के मुझे एक्सपीरियंस है। जी और मैं चूंकि मेडिकल कॉलेज में था, हॉस्पिटल में मेरे सामने जी साइकेट्रिक जी डिपार्टमेंट भी था, जी तो जी मुझे एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही सजेस्ट करूंगा बहुत सारे जी लोगों से जो सुन रहे हैं जी कि जी सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, उसके लिए जरूर आए, हाँ पार्टिसिपेट करें प्रोग्राम्स में, लेक्चर्स में, सही लेवल्स करें, और इंशाल्लाह ताला दे विल गेट बेस्ट आउट ऑफ देम। हाँ, बहुत बहुत अच्छे पैगाम डॉक्टर साहब आपके, और अल्लाह आपको और खुशियाँ दे अता फरमाए, ताकत अता आमीन, फरमाए। बहुत शुक्रिया आपने याद किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर, यू आर थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बड़ी बात है, एक डेंटिस्ट, एक डॉक्टर,
जो कि आपको बता रहे हैं, कैसे सीक्रेट्स बता रहे हैं आपको कि उनके कितने सालों के डिप्रेशन था और वो ख़त्म हो गए विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स, ये क्योर हो गए, शख्स बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। एक डॉक्टर आपको खुद बता रहे हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम था और ये ठीक हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये इनके बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जो कि नहीं कहते, ठीक भी हो जाते हैं, क्योर भी हो जाता है, बेहतरीन भी हो जाते हैं, मगर वो एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर रहे होते हैं। हम भी किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि आप ज़रूर एक्सपीरियंसेस शेयर करें, खुद लोग चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ये एक बात ये होती है उसमें कि ये इसी को कहते हैं खुलूस दिल अपने साथ और दूसरों के साथ, कि हम तजर्बा करते हैं, हम मेडिकल पढ़ते हैं, हम नॉलेज को हासिल करते हैं, इस तजर्बात को दूसरों तक बताने का बड़ी ज़रूरी सोर्स बनते हैं। एक शख्स जो अगर आपकी वजह से सुन रहे हैं, आपके कमेंट की वजह से सुन रहे हैं और वो इस तरफ आता है, तो कितनी बड़ी सवाब है। सवाब में आप शामिल हो गए हैं और आपने शेयर कर दिए जो हकीकत है, वो आपने शेयर किए। कोई अल्लाह ना करे, मैं चाहता हूँ कि कभी भी आप एक ज़रे बराबर कोई झूठ ना बोले या कोई ऐसे वैसे बात, जो हकीकत है वो लोगों तक आपने बताना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हकीकत है वो बताएंगे। कुछ चीज़ों में आपके तजर्बात नहीं होंगे, दूसरों के होंगे, वो भी आप बताएंगे। जो दूसरों के तजर्बात है वो भी आप बता दें, जो वहाँ पर लोग क्योर हुए, ठीक हुए, आपने खुद देखे, मैंने खुद इंटरव्यूज ली उनसे, आप खुद बैठे हुए थे, वो ठीक हो गए सारे कुछ। तो ये आप एक प्लीज़ एक आपके रहनुमाई के इस कौम के लिए, इस लोगों के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए ज़रूरत है, ताकि आप हमारे साथ देंगे। और साथ देने से आपका क्या होगा कि दूसरे की भलाई होंगे, दूसरे अल्लाह ताला क्योर करेंगे, ठीक हो जाएंगे। आपके एक कमेंट की वजह से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आते हैं, बहुत बड़ी सदका है, खैरात है। और इसी तरह पुरखलूस रहना, डॉक्टर फारूक साहब की तरह बहुत से स्टूडेंट हैं, बड़े पुरखलूस और बहुत अच्छे लोग हैं, हमेशा ताकतवर रहते हैं, पुरसकून रहते हैं। अल्लाह उन्हें इतने अच्छे तरीके से ताकत अता करते हैं और हमारे एक कनेक्शन, दिली कनेक्शन बनते हैं उनके साथ। तो इसी तरह के होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह डॉक्टर फारूक साहब ने हम लोगों को बताया। और बहुत से ऐसे मकसद स्टूडेंट बहुत है इस तरह के। एक कॉल हमारे साथ होल्ड पे हैं, हम आते हैं, एक कॉल लेते हैं, फिर आते हैं कि समदा हीलिंग रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या रोल है उसका, सॉरी समदा हीलिंग और हमारा सेहत, ये टॉपिक है जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन बात कर रहे हैं आप? सर मैं आपका स्टूडेंट जफर खान मुल्तान से बात कर रहा हूँ सर। जी जफर खान साहब, कैसे आप, अच्छे हैं? जी सर आपकी दुआएं हैं सर, आपने हमें क्या तोहफा दिया है सर, लोग सेहत पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, चैन माशाल्लाह पा रहे हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप खुद ही ऐसा है, आप खुद इतने अच्छे पॉजिटिव है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इस वजह से अल्लाह ने आपको जो दिए वो बड़ी अच्छी बात है। और आप इस तरफ आए, अल्लाह ने आपको लाया इस तरफ, और अल्लाह ने आपके प्रॉब्लम को हल करने थे और दूसरों के, आपके वजह से दूसरों के प्रॉब्लम को हल करने थे। आप एक अच्छे हीलर है और बेहतरीन हीलर है, और बेहतरीन हीलर आपने बनना था तो अल्लाह ने बना दिया आपको, है ना? जी सर बिल्कुल, आपकी दुआएं भी शामिल है ना सर, फिर जी बिल्कुल, आपकी दुआएं, हमारी सीनियर टीचर मैडम खालदा की दुआएं हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, वो सर भी टीम भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जफर साहब इतने अच्छे बात और इतनी खुशियां उनको अल्लाह ताला ने अता की मिली, तो वो बड़ी खुश हैं, सब आपसे बहुत खुश हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी अगर समदा हीलिंग के सर में उसकी तारीफ के लिए अगर कुछ लिखना शुरू करूं तो सर बिलीव कीजिए, अल्लाह की इज्जत की कसम सर, समंदर का पानी खत्म हो जाए और समदा हीलिंग की तारीफ खत्म नहीं होगी सर। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, सर क्या क्या बात, हकीकत पर मबनी है सर। जब लोग मेरे पास, मेरे घर पर राशि लगा रहता है सर आपकी दुआओं के सदके सर, जब लोग बड़े मासूम बच्चे, वो गरीब औरतें, वो गरीब लोग जो सर दवाई खाना नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते सर, वो
दवाई क्या खाएंगे सर, सम द हीलिंग के जरिए वो सेहत पा रहे हैं सर, सुख पा रहे हैं, चैन पा रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ और दें, और इंशाल्लाह मुझे ये 100% आपके, हाँ आपकी वजह से इंशाल्लाह रोज़ाना कई सौ लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, 800-900 हज़ार लोग इंशाल्लाह अल्लाह की ओर करेंगे। सर अभी कल ही मेरे पास एक बच्ची आई थी जी, उसके सर भी ना सर बहुत ज्यादा ना पानी निकल रहा था और जख्म थे। हाँ हाँ अच्छा। सर डॉक्टर्स ने, स्किन डॉक्टर सर स्पेशलिस्ट ने उसे अपना मतलब उसने कहा कि सॉरी ये इलाज मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। ओहो अच्छा अच्छा। तो सर मेरे पास उन्होंने जब मुझे वो दिखाया डॉक्टर्स का सारा जिक है अपना मेडिसिन के पच्चे वगैरह, तो सर मैंने जब बस ये देख लें कि आपकी दुआओं के सदके अल्लाह पाक का फजल करम ऐसा हुआ सर कि वो अपना कल आज जब मेरे पास आई है सर उसका वो सब खुश्क था और बिल्कुल सही थी सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, यकीन करें मैं सच्चे में गिर गया, मैंने कहा अल्लाह ये समझा ही नहीं क्या है। बिल्कुल 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 सर, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये समझ लें कि अभी तो मैंने उसे आज दूसरा सेशन दिया, कल एक सेशन में वो बच्ची ठीक हुई है, स्किन प्रॉब्लम जिसे कह सकते हैं आप। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बहुत बड़ी बात है। हाँ हम फील करते हैं, हम अल्लाह अल्लाह ने इस दफा और ज्यादा मेरे नॉलेज में इजाफा किया, आप लोगों के दुआओं की वजह से और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके वजह से रोज़ बरोज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलम में इजाफा होते जा रहे हैं और नए नए मेथड्स, नए टेक्निक्स, नई चीज़ें आते जा रहे हैं, तो ये इस तरह के लोग ठीक हो रहे हैं तो इस वजह से अल्लाह की ओर करते हैं। रोज़ाना कितने पेशेंट आते हैं आपके पास? सर मेरे पास कम से कम भी सर 15 से 20 पेशेंट आ जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, 15 से 20 डेली आते हैं। और मैं खुद भी जो बुजुर्ग लोग हैं ना सर जो नहीं आ सकते मैं उनके घर खुद चला जाता हूँ। क्या बात सर, है सर, आपको मद्देनजर रखते बेधड़क होकर अल्लाह पर भरोसा रखकर सर ट्रीटमेंट करता हूँ, हीलिंग देता हूँ सर पर हाथ रखकर, और नहीं डरता कि मुझे कुछ हो जाएगा। सही सही। और मुझे कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। क्यों होगा क्योंकि समझा एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ताकत है, अल्लाह की शिफा है, और शिफा के तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आपको साइड इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर, नहीं और, है, नहीं है, बिल्कुल और, नहीं है, और अभी तक नहीं है। और मैं आपको बात कहूँ, अभी तक जो दुनिया में यानी अभी तक इससे तकरीबन लाखों करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया, आपको खुद पता है, और उसमें से एक जरे बराबर किसी को नुकसान नहीं हुआ, तो आप आपको क्यों होगा, आप इतने अच्छे इंसान है, आपको क्यों होगा, किसी को नहीं होगा। जी सर, एक लेडीज आई है मेरे पास जी, 50 साल उम्र है उनकी। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह खाती पीती थी, उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगी जी मैंने तो बड़े इलाज कराए हैं तो आप क्या मुझे दम करेंगे। मैंने कहा बाजी आप मुझसे दम करवाए, पानी पिए मुझसे दम कराकर, सैनिटाइज करके पानी देता हूँ इंशाल्लाह ताला शिफा। यकीन करें सर, वो उसके जिस्म में ना वर्म था। अच्छा। वो सर मेरा ख्याल में एक सेशन और पानी के क्या चंद घूंट दिए हैं उसे, 15 मिनट बाद सर उसके वर्म खत्म हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। ये मैं तो ये समझता हूँ सर, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए आप तोहफा है हम लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए, हम दुनिया वालों के लिए आप तोहफा है सर जी। समदा हीलिंग एनर्जी हमारी रोजमर्रा जो जो हमारे सेहत है, हमारी सेहत पे कितना असरदार है आपके नज़र में जफर खान साहब? सर ये सर मैं ये तो सर इसकी तो तारीफ मैंने पहले भी कहा बहुत वो है, ये हम इलाज तो हम किसी किसी और चीज़ का कर रहे होते हैं। सही, सर सही। उसके तमाम फिजिकल प्रॉब्लम जो है ना उसके अंदर जो शुगर के मसाइल हैं, उसके जोड़ों के दर्द हैं, उसको नज़ला है, उसको दम सर दमे के मरीज ठीक हुए हैं सर, मैंने 2 दमे के लिए अल्लाह के हुक्म से ठीक किए हैं सर। अच्छा, अस्थमा के पेशेंट ठीक हो गए? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बस अच्छा मजे की बात सर, अब जिन्नात जिन्नात पर हम काबू पा सकते हैं सर, और नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं वो का, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात है, जितने भी मखलूक है वो हमारे कब्जे में आ सकते हैं, क्योंकि हम अगर कमजोर हो जाए ना तो वो फिर हम पर हावी हो जाते हैं। जब तक इंसान कमजोर नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं किया, तो कैसे हावी हो सकता है कोई चीज, तो वो हमारे बिल्कुल हमारे हाथ में है वो सारी चीजें, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने हमें बनाया, सबसे बड़ा दर्जा दिया हमें इस फरिश्तों ने, अल्लाह ने हुक्म किया फरिश्तों को कि आप सजदा करें, तो बात यह है कि फरिश्तों ने भी सजदा किए इंसान को,
ये बात है कि इंसान अशरफ मखलूकात है और तमाम मखलूकात के से अफजल है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं सर। अपना एक ऐसी फितना, एक बच्ची आई है उसे ना यही मामला था, उसके साथ असराफ थे। तो सर मैंने सर अल्लाह का नाम लिया और आपको तो सब रखकर उसे हीलिंग दी है सर। सर अगले दिन वो हंसते हुए बच्ची आई, या तो मेरे काबू में नहीं आ रही थी, अगले दिन वो कहती थी कुछ भी नहीं हमें तो, अब तो बिल्कुल मैंने रात सुकून से सोई भी हूँ। और मैं जना पहला उसके वालदैन मुझे दुआएं दे रहे थे, मैंने कहा आप मुझे तो दुआएं दे सकते मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरी सीनियर टीचर मैडम खालदा को दे, और मेरे हमारे स्टाफ शाजिया है और हमारी अहमन है, इनको आप दुआएं दें। जी बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको बहुत सी खुशियां दे, बहुत क्योंकि बहुत अच्छे और आप लोगों की वजह से हमारी टीम भी बड़ी एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे हैं और आप लोग साथ दे रहे हैं उनके साथ। ऐसा कभी उन लोगों ने अकेला महसूस नहीं किए कि हम, माशाल्लाह पूरा टीम ये समझता है कि हमारे साथ जितने भी हमारे जितनी लाख स्टूडेंट है सब हमारे साथ हैं। बिल्कुल सर, मैं उन स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा जो समा हीलिंग सीख रहे हैं और उन्होंने 1 to 4 तक किया और या 8 लेवल किया है, सर मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आगे बढ़े और ये सीखकर लोगों के काम आए, काम आए। नेगेटिव मैं अपने स्टूडेंट्स दोस्तों से अपने बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा सर, वो अपने जहनों में नेगेटिव ख्याल ना रखें, जी अदब का दामन हाथ से ना छोड़े, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। खुदा की कसम सर ये समा हीलिंग बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है सर, ये सेहत के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बूढ़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी है सर। बेशक बेशक, देखें बात ये है कि जो इसमें जो समुदाय में जो बड़ी जो जरूरी बात है ना, वो ये है कि लोग यकीन रखें इस पे या ना रखें, जब आ जाते हैं तो काम करती है, बिल्कुल अपना काम करती है ये, और ये सबसे बड़ा सदका है, सबसे बड़ा खैरात है। आप जितने बड़े सदकात दे दें, आप क्यों जो है ना कई 1 करोड़ डॉलर क्यों खर्च ना करें इंसानियत के लिए, उससे बढ़ के बात यह है कि आपके हाथ से किसी के दर्द दुख दूर हो जाए, दुनिया से इंसान क्या करेंगे, इससे बढ़ के खैरात मैं समझता हूँ इससे बढ़ के सदका है, आप बताएं। जी बिल्कुल, इससे बढ़कर कोई सदका नहीं है सर। अगर कोई शख्स दर्द में है, दुख में है और वो परेशान है, आप पूरा दुनिया दे दो उनको, पूरी दुनिया के जितने भी माल दौलत दुनिया के सारा उनको दे दो, वो लेंगे नहीं सर, क्योंकि उनको लिए फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो दर्द दुख में है ना, उसके लिए सारी दुनिया के क्या फायदा है, वो तो उसने तो सुकून लेना है, सुकून का सांस लेना है उन्होंने। तो बात यह है कि ऐसे लोग आप जो आपके खुद आपकी जो तजर्बात है इससे अंदाजा करें, और इस तरह तमाम स्टूडेंट के इस तजर्बात से अंदाजा होते हैं कि कितने दुख है इंसानियत, कितने लोग हैं जो इतने दुख में है, उनके वो काम आ सकता है और क्रोनिक डिजीज ठीक हो सकता है। आपसे पहले डॉक्टर फारूक साहब मेरे साथ था, चकवाल से कॉल किया था, और वो खुद एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, और उनके तकरीबन इतना प्रॉब्लम जो कितना सालों से 10 साल 15 साल बता रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम था डिप्रेशन, यानी क्रोनिक डिप्रेशन, और अभी आज से तकरीबन वो कहते हैं पिछले साल में मैंने आपसे किए थे और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बिल्कुल मेडिसिन नहीं लिया और बिल्कुल क्योर है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। इतने मुझे तो नींद नहीं आई, काफी दिन हो गए, काफी अच्छा हो गया, मुझे आप एक दिन नींद सुना दे तो मुझे पता लगे सर। यकीन करें मैंने उसे हीलिंग दी है और बड़ा जोर लगाकर, और आपको तो सब में रखते हुए अल्लाह पाक का से दुआ करते हुए और महबूब पाक सुसलम से दुआ करते हुए सर उसके जब हीलिंग दी सर, वो अगले दिन वो मुझे सर शुरू कर रहा था, कहता है मैंने क्या हुआ, कहने लगा जी मैं रात बड़े सुकून से सोया हूँ। सुकून से सोया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सर। हाँ ना, आपने सुला दी है, बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छा। हाँ जी सर अच्छा। क्या बात है सर, ये आप यकीन करेंगे, मतलब हमने यानी कि हम कॉल आती है ना जी, हम उन्हें अपना फोन पर सर सिर्फ आवाज सुनते हुए इनकी हीलिंग करते हैं सर, बंदा हैदराबाद में है जी, सही बात, और हम यहाँ से हीलिंग दी है तो वो जनाब अल्लाह ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल अच्छा, मेरे ऐसे स्टूडेंट है जो कि मैंने फोन पे उनको ट्रेनिंग दी है, फोन पे हुप्स दी है, ट्रीटमेंट दी है,
दूसरी ममालिक में, जिस तरह अमेरिका में है, यूरोप में है, यहाँ बहुत से ऐसे ममालिक में हैं जो कि यहाँ एशियन कंट्रीज में, और वो लोग अब इतने यानी यहाँ से ऑनलाइन यानी फोन पे ट्रेनिंग ले उन्होंने, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास कई सौ लोग आते हैं डेली, लोग क्योर हो रहे, ठीक हो रहे। बिल्कुल सर, आप ये बात चीजें ऐसी हैं सर, क्यों ना ठीक हूँ सर। आप ईमानदारी से काम करते हैं, अपने स्टूडेंट को आप जो ट्यूनमेंट देते हैं बड़े सच्चे दिल से देते हैं सर, इतनी लगन से कि मजा आ जाता है सर। हमारे अपने मेरे अपने खुद सर, मैं आप इससे अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हूँ सर। आपको पता है, आपने खुद लेक्चर कई बार अटेंड किए कि मैं जो है ना 3 बजे से खड़ा हो के, मैं तकरीबन 10 बजे तक मैं खड़ा होता हूँ। आप बताएं कि बैठने को भी कोई थोड़ी देर वो नमाज उमाज के लिए जो मौका मिलते हैं, बस बस या सजदे में जाते हैं या रुकू में जाते हैं, वही मौका होता है, बस मातहत में बैठते हैं। तो बात यह है कि और तो कोई मौका ही नहीं मिलता है हमें कि बैठने का या कोई इस तरह के कुछ, बल्कि लोग खा पी रहे होते हैं, हाईटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, मैं साथ साथ लेक्चर दे रहा होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है ना, और इसी तरह मुझे उम्मीद है मेरे अजीज स्टूडेंट्स इसी तरह जिम्मेदारी लेंगे, इसी तरह खड़े होकर टट के और बेहतरीन तौर तरीके से अपना रोल अदा करेंगे, काम करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, खिदमत करेंगे, जिस तरह आप कर रहे हैं और डॉक्टर फारूक साहब बहुत नामवर स्टूडेंट हैं, सूफी खान साहब हैं, मिस्रियाना लाहौर से हैं सर, बड़े बड़े नाम पैदा किए। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, रेहाना ने आपकी जिक्र किए कि माशाल्लाह हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आपको भाई कहते हैं कि बड़ी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन है, मेरी बेटी है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। और इस तरह के सूफी साहब है, सूफी खाकसार साहब है, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ने उनको इतनी अच्छे ताकत अता फरमाए और इतना अच्छा, इतना बेहतरीन स्टूडेंट है हमारा। इसी तरह हमारे जो है ना, एक लाहौर में एक हमारा एक स्टूडेंट है, पीर साहब है, पीर अनवर साहब है, बहुत ही अच्छे, अल्लाह ने बहुत अच्छे। और आपके मुल्तान में हमारे कारी साहब है, और जो है ना नदीम यूसुफी साहब है, नदीम यूसुफी साहब सर, बिल्कुल लाहौर से जी, बिल्कुल, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट है हमारे, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत नाइस स्टूडेंट है जी, हाँ जी, हर जगह पे, और आप फेसबुक पे भी हैं, वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, फिर यहाँ हमें कॉल भी करते हैं, कॉल आते हैं उनके, फिर वहाँ पर वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं और हर बस इज्जत करते हैं हमारी, और जो लोग आते हैं सर, आपने हमें इतना कुछ दे दिया सर, और अभी तक खजाना भी कम है सर। मेरे ख्याल में अभी तक उन लोगों के, नदीम साहब से और पीर साहब वगैरह जो है, इन कारी साहब के लोगों की वजह से मेरे ख्याल में कोई 100-150 लोग अभी तक आ चुके होंगे, 100-150 लोग इनकी वजह से। और आप सूफी साहब की बात कर रहे हैं, खाकसार साहब, सूफी खाकसार साहब की बात कर रहे हैं, उनकी वजह से अभी तक उनकी तो पूरे की पूरे फैमिली आ गए हैं, और वो जो जितने जो वो कहते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं मानते थे, जिस तरह कुछ लोग थे उनके फैमिली में डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, आर्मी के, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, तो वो सब ही आ गए हैं और सबको इकट्ठा करके लाया और सबको बेहतरीन रिजल्ट है। और वो कहते हैं कि आपकी वजह से अल्लाह ताला ने समझा, ये इलम की वजह से अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे ताकत या ताकि इतने अच्छे चेंज आए हमारे फैमिली में, इतनी अच्छी तब्दीलियां आई। इसी तरह रेहाना जो है हमारी स्टूडेंट है, तो आपको पता जी, रेहाना जो है, सर आपका बात काटा मैंने, रेहाना तो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, और वो भी फोन पे मैंने गाइड किए हुए लेवल 8 तक, फिर एक बार आई थी एक दिन मेरे ख्याल में पिंडी आई थी, उन्होंने वो किया था, उन्होंने अटेंड किया था, और फिर अभी तक हमारे स्टूडेंट है वो, और वो इनके इतने अच्छे तजुर्बात है, HMS में उसके बड़े अच्छे रिजल्ट है सर, HMS उन्होंने किए लेवल 1, बड़े अच्छे रिजल्ट, बड़े अच्छे हैं सर उसके। हाँ बिल्कुल,
वो तो बता रहे कि मैं थ्री लेवल थ्री भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था आप अच्छे रिजल्ट लिख के दें तो आपको लेवल थ्री भी करा देंगे। आपको अच्छे रिजल्ट जी सर, रिजल्ट इससे अच्छे क्या होंगे सर, उसने जो हमारे गवर्नमेंट के बैठे हुए इतने बड़े बड़े अपना अहदेदार ना कर सके, जो हमारी बहन रेहाना ने किया सर। हाँ हाँ अच्छा, उन्होंने क्या किया है, एचएमएस से क्या बेनिफिट्स मिले थे उनको? सर उसने बहुत से काम किए हैं, जो मतलब है कि अपना अच्छे से काम कर रही है। और फिर सबसे बड़ी बात यह सर कि जो ये अपना अभी समदा हीलिंग ने जो मेरी बेटी आमना के लिए, आमना आनम के लिए काम किया है सर, जी जी, वो जो उसके तालू पर ट्यूमर था सर, बिल्कुल वो क्योर हो गया अल्लाह, वो क्योर हो गया सर। वो मतलब है कि इसका जैसे बकरी के सबसे सींग गैप हो जाता है सर। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, ये आपकी वजह से है सर। सर अच्छा, मुझे बताएं ये, आपने मैं ये सब कुछ दिया, मैं जाता हॉस्पिटल में धक्के खाता, वहां पर ऑपरेशन करवाता, मेरी बच्ची जलील होती, हम जलील होते सर, दवाइयां देते बगैर मेडिसिन बगैर कुछ किए हुए सर, सिर्फ सिंपली हमने इसे हीलिंग दी है और पानी अरजात कर दिया सर, तीन दिन में वो बच्ची बिल्कुल ठीक थी। मेरी बीवी जो कभी इसका पूरी यकीन से नहीं थी सर, वो रो रही थी और सुबह हंस रही थी और मेरे पाँव में गिरी हुई थी, कदमों में गिरी, उसने मुझसे कहा कि आप जाएं मास्टर करें, ग्रैंड मास्टर करें, अब आप सिर्फ उनके लिए हैं, आप उनके लिए, हमने हमने आपको कत्ल, आप उनके लिए बस है, आप अपने सर के लिए बस है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और खुशियां दें। अच्छा, मैं ये हाईलाइट करूंगा सब सब पाकिस्तानियों के लिए कि मेरी बेटी जिस तरह से समदा हीलिंग से ठीक हुई है, मैं सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़े हुए हैं या नहीं है वो आए और समदा हीलिंग सीखें और अपने दूसरे बहन भाइयों का इलाज करें सर। बिल्कुल, अपना इलाज सबसे पहले जरूरी होता है कि इंसान अगर खुद दुख में है तो उसी वक्त ठीक हो जाते हैं ना। और ये जो अच्छा, आपकी बेटी का ट्यूमर कहाँ पर था सर? तालू पर था सर, तालू पर। अच्छा, ऊपर ऊपर सर, वहां से हम सांस लेते हैं, वहां पर ना ये बाल से बारीक वेन्स होती है जो अपना अगर रक्त कट जाती है ना, अगर वेन्स कट जाए तो डेथ होने का खतरा होता है सर उसे। हाँ हाँ हाँ, यानी सर्जरी खतरनाक थी उनके। जी हाँ जी, इतना खतरनाक ट्यूमर था सर। हाँ 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 सर, मैं बल्कि फेसबुक पर ये पिक्चर भी लगा रहा हूँ, इसे हाईलाइट करूंगा ताकि इसे देखकर लोग आए और ये काम सीखें जी। अल्लाह मिल रहे हैं आपसे सर जी, बिल्कुल अल्लाह आपको बहुत सारे। अच्छा, फेसबुक पे है आपका सारे कुछ? जी हाँ बिल्कुल, आपकी कमेंट, आपकी कमेंट देखे मैंने, सही सही से जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी ताकत अता फरमाए, और ज़रूर इंशाल्लाह ऐसा कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ हमें ऐसा करना चाहिए। तमाम स्टूडेंट से ये, तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उन्होंने इस फर्ज को अदा करें, स्टूडेंट को हुक्म किया करें सर, रिक्वेस्ट ना करें, हम शर्मिंदा होते हैं सर, आप हमारे उस्ताद हमारे माई बाप हैं, फर्ज उनका, हमें हुक्म दिया करें सर, हुक्म क्या करें, हमें अपने स्टूडेंट को हुक्म देता हूँ जी। बिल्कुल, आपको तो आप तो जाहिर है सुनते हैं और सारा कुछ करते हैं और आप ऑटोमेटिकली करते हैं जो हम ना भी बताएं, मगर कुछ स्टूडेंट के नज़र करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ लोगों के साथ, इतना जातियां हो रहे और लोग अननेचुरल तरीक़ों से जो अपना वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और उनके साइड इफेक्ट कितने, तो एक नेचुरल तरीका भी साथ आजमाएं, अननेचुरल तरीका भी आजमाते हुए साथ साथ एक नेचुरल तरीका भी जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप आए एक बार जरूर, लोगों को ले आओ ना, यानी मेरा रिक्वेस्ट ये है कि लोगों तक एक पैगाम दे दें। चलो ये प्रोग्राम का बताएं कि ये प्रोग्राम देखते रहे आप। सर मैं मुल्तान में इसकी बड़ी बड़े लोगों में इसकी अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला मुल्तान वाले ये जाना जरूर आपसे अपने ट्रीटमेंट लेंगे अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है जफर खान साहब, अल्लाह आपको और खुशियां दे, बड़ी खुशी हुई आपने याद की है, बहुत अच्छी बात है। मुझे सलाम कहना सबको और सारे स्टूडेंट को और आपके तमाम फैमिली वालों को, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। जफर खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और अल्लाह ताला ने उनको एक इतने अच्छे रिजल्ट दिए और इतने अच्छे सोर्स मिले उनको अल्लाह ताला ने दिए, तो हमें भी ये करना चाहिए साथ साथ कि अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए इस चीज़ के। एक ब्रेक है, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं और फिर आता है इस पे बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता शॉर्ट है कि लंबे, मगर बात ये है कि ज़ाहिर है आपके लिए शॉर्ट ही होना चाहिए, आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना, हम सीक्रेट्स पे बात कर रहे हैं और बड़ी सीक्रेट्स आपको बता रहे हैं और आपको सुनना होगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन टू द अल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद। आज हम बड़े सीक्रेट्स पे आपको डॉक्टर फारूक साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं और फिर जफर खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। क्या क्या हैरान कुन, क्या कैसे मुमकिन है, ऐसे ऐसे कैसे पॉसिबल है। मुझे खुद एक अंदर से एक ताकत है कि न जी और महसूस हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तो हम बात करें कि हम आगे बढ़ें, अब इस तरह के सरबस्ता राजू को कुछ ऐसी चीज़ों का, कुछ ऐसे पॉजिटिविटी को, कुछ ऐसी ताकतों का हम जिक्र करें और उसको समझने की कोशिश करें। वो है सबसे अहम बात जो आपसे करनी है, अभी सीक्रेट्स राज सेहत के, इंसान के। कभी कभी हम लोगों के जब स्मार्ट होते हैं हम उसको कहते हैं कि राज क्या है, मेरे तरह जब स्मार्ट होते हैं ना लोग क्या करें, अपना खुद के क्या अकेला बैठा हूँ, तो इस वजह से अपना अपना जो है ना वो तसली खुद दे रहा हूँ अपने आप को, देना भी चाहिए इंसान को। क्योंकि बहुत से ऐसा होता है कि हमें अपने को तरजीह देना चाहिए, अपनी सलाहितों को तरजीह देने चाहिए, अपनी ताकतों को तरजीह देने चाहिए और अपने को सजेशन देने चाहिए कि हम डेली रोज़ बरोज़ इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह आप कुछ अरसे में देखेंगे कि आप बेहतरी की तरफ जाते जाते पॉजिटिव बात बड़ी ज़रूरी चीज़ है, पॉजिटिविटी बड़ी अहम तरीन चीज़ है कि हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए लाजमी। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, एक कॉल शामिल है और फिर आते हैं कि फिर हम राजों पे बात करते हैं, सीक्रेट्स पे बात करते हैं, समुदाय के सीक्रेट्स पे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी सर, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, ताज मोहम्मद। आपसे मैंने समुदाय हीलिंग सीखी है, बिल्कुल बात करें प्लीज 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 प्लीज। सर माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आप जो ये समुदाय हीलिंग आप इंट्रोड्यूस करवाई है आपने, तो ये इंसानियत का बहुत 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 ही ज्यादा इसमें भला है। और जब से मैंने ये सीखा है, एक तो मुझे खुद भी कुछ, एक तो मेरा वेट बहुत ज्यादा था तो उससे भी मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, चलने फिरने में थोड़ी सी दुश्वारी थी। तो इसके अलावा अदर पे मैंने इसको बहुत ज्यादा अप्लाई किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले स्पिरिचुअल हीलिंग अस्माउल हुस्ना के जरिए लोगों को हील करता था, तो उसके लिए जरूरी होता था कि कोई सामने हो तो फिर। मगर आपके आपसे जब से मैंने सीखा है तो मैं, कोई मेरे सामने नहीं भी होता, नहीं भी होता, तो फोन से भी मैं लोगों को हील करता हूँ, तो मुझे माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरे इलम में रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और अल्लाह नए नए चीजें देते जा रहे हैं। इस तरह के बहुत से नए चीजें अभी मेरे अल्लाह ने दिए जो कि बड़ी अच्छी टेक्निक्स है, जो कि समुदाय में इंशाल्लाह हम आगे आपने रिपीट भी करना, अप्लाई करें हम। और आपने कितने लेवल किए हैं समुदाय? मैंने 4 लेवल किए हैं। माशाल्लाह, आपको 4 लेवल से कितने बेनिफिट्स मिली हैं? हाँ बहुत ज्यादा, मुझे तो देखिए हमारी तो दुआएं कि अल्लाह ताला आपका साया हमारे सिरों पे रखे और बहुत भला कर रहे हैं आप, खासतौर में पाकिस्तान में जहाँ अगर दवाई खाई जाए तब भी इंसान सारे में रहता है, ना खाई जाए तब भी, ये दवाई के बगैर बहुत ज्यादा इसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट। आपको कोई तजर्बा हुआ, किसी को हील किया, अपने अपना कोई प्रॉब्लम क्योर हुआ क्या? मेरे एक मिलने वाले थे, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो हार्ट सर्जरी थी उनकी हुई, तो काफी अच्छे थे है ना, उनकी जो हार्ट पेन थी वो मेडिसन उनको यूज करना पड़ती थी। अच्छा। तो मगर उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैं उनको तकरीबन मैंने 10 दिन हील किया, तो उससे वो ये कह रहे थे कि मुझे मेडिसन लेने की बहुत कम जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बात है, बड़ी एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है। हाँ। तो मगर जो चीता चीता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ज्यादा बड़े जो मेजर थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। इसके इसके अलावा ये भी होता है कि अगर किसी के घर में कुछ कोई बादशाह वगैरह हो तो वहाँ भी मैंने अप्लाई किया पानी को हील करके, और इसके अलावा पानी को और उनके घर को जाके हील किया, तो बहुत ज्यादा इसके है ना पॉजिटिव रिजल्ट निकले। सही सही सही।
अल्लाह का करम है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशी है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप आगे बढ़ाएंगे इसको और लोगों को भी इंशाल्लाह मैं सर उसी इनवाइट करेंगे। आप इंशाल्लाह आपके मेरे साया रह के जी बिल्कुल लोगों का भला करूँगा इंशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह आप तो प्लीज़ थोड़ा सा हीलिंग इसमें इजाफा करें, लोगों एक का नहीं दो का नहीं, आपने बहुत से डेली एक 10-15 लोगों का कर लिया करो, डेली एक 10-15 लोग या उससे कम भी हो सकता है, मगर जितना हो सके हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये टारगेट रखे ताकि लोगों को अच्छे रिजल्ट, अच्छा एक बेहतरीन सदका है, बेहतरीन खैरात है ये, और किसी के दर्द दुख अगर दूर हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी नियामत है जो हमें मिली है, और बहुत बड़ी सदका है और बहुत बड़ी हेल्प है जो हम लोगों का कर रहे हैं दुनिया में। और दुनिया में अगर एक शख्स पूरी दुनिया देते हैं और पूरी दुनिया अगर वो कर रहे हैं यानी दे रहे हैं पूरी दुनिया के यानी करोड़ों खरबों डॉलर भी दे रहे हैं किसी को, उतना सवाब नहीं है जितना कि इस एक इंसान को इंसान की वजह से अल्लाह ने बचा लिए, ये जैसा कि पूरा इंसानियत को जिंदा किया जाए तो इस वजह से जिंदा हो जाए। तो आप जो है इस पे बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन से कमेंट्स के साथ देते रहें और लोगों का हेल्प करते रहें, इलाज करें और साथ साथ जो है ना लोगों को भी ले आए वहाँ पर इंशाल्लाह इस दफा जब हम आएंगे। सही है इंशाल्लाह जरूर जरूर डॉक्टर। जी जी बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार वेलकम, शुक्रिया आपने याद किया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। जी बहुत अच्छी बात हो गई है हमें, और अल्लाह ने इनको बहुत ही नवाजा है ताकतों से, और कोरोना डिजीज ठीक हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स ठीक हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है और एक बहुत बड़ी ताकत है। बात हो रहे थे हमारी कि ये एक किस तरह की मेथड्स है, किस तरह की हीलिंग ताकत है, किस तरह फोर्स है, ये सीक्रेट क्या है, ये कैसे, तो ये एक ऐसा तरीका इलाज है, क्योंकि ये टीवी पे हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आपको अवेयरनेस देते हैं, आपको आगाही देते हैं, आप समझते हैं इस चीज़ को, फिर आते हैं और फिर उस तरीका को अपनाते हैं और फिर उसका रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह होती है और हर इंसान को होता है, हर इंसान को। अभी तक तो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्लाह का शुक्र है किसी ने भी शिकायत नहीं की है, और सबको है, बेहतरी है सबको, जो और समझते भी सब है, जितने भी लोग हैं जो आते हैं समझते हैं, और वो समझते हैं कि वो क्या करें और किस तरह के, तो उसको उनको रिजल्ट भी है, और क्रोनिक डिजीज़ अल्लाह ताला उनके हाथों से क्योर करते हैं, ठीक होते हैं लोग, प्रॉब्लम्स लोगों के सॉल्व होते हैं, तो ये एक बेहतरीन खैरात भी है, सदका है, जो भी आप समझना चाहते हैं वही सब कुछ सवाब है, बेहतरीन सवाब है ये, इसमें बेहतरीन सा अल्लाह ताला के एक अच्छे रास्ता है, बेहतरीन सा इबादत है ये, यानी जो मेथड है ये, देखिए बगैर साइड इफेक्ट के, बगैर किसी अखराजात के, किसी के दर्द, किसी के वो सारे कुछ जो दर्द हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। ट्यूमर आप देखे जो कॉल किया था जफर खान साहब ने, जो कॉल किया था कि ट्यूमर उनकी बेटी के जो यहाँ पर थे और वो बदतरीन सा था, और डॉक्टर्स ने बताया था कि अगर ये ऑपरेशन होना है तो इसका बहुत ख़तरनाक है, ठीक हो गए, ऐसे क्रोनिक क्रोनिक प्रॉब्लम ठीक हो गई। और डॉक्टर फारूक साहब ने आपको बताया कि मेरे खुद अपना डिप्रेशन था तकरीबन 100 साल, कितना साल पुराना, सॉरी कोई 10 के 15 साल पुराना, क्योर हो गया। एक कॉलर हमारे साथ है, एक कॉल लेते हैं, एक कॉल ले के फिर आते हैं, हम इस पर बात करेंगे कि क्रोनिक डिजीज़ कैसे क्योर हो सकता है, और नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनते हैं, अल्लाह ताला ने ये
ताकत इंसान को दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद इकबाल अर्ज कर रहा हूँ जी। मोहम्मद इकबाल साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाला मूसा से बात कर रहा हूँ जी। लाला मूसा से? जी जी, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था, मेरे पास नंबर। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, लाला मूसा से बात कर रहे हैं हमारे साथ इकबाल साहब। इकबाल साहब जी जी, क्या कहना चाहते हैं? वो जी अपने कहना ये था कि मैं अटोनमेंट ली थी, और बल्कि मेरा एक केस था जी, केस के सिलसिले में भी कुछ बात करनी थी मैंने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपने याद किया। इकबाल साहब जी, जारी रखे प्लीज अपने तजुर्बात जारी रखे जी। जी तो अपने पिछले दिनों में गया था ना यूएई, पिछले साल ना। अच्छा अच्छा। तो वहाँ एक केस मुझे मिला था, एक बच्ची थी 5 साल की, तो वो ना खड़ी हो सकती थी ना चल सकती थी। ओहो, अच्छा। तो उसको मैंने जो है तकरीबन 2 माह से 2.5 माह के दरमियान उसको समदा हीलिंग 6 से और 2 से उसकी मैंने ट्रीटमेंट की थी। सही सही सही। अच्छा। तो हीलिंग में करता रहा, तो वो जो है जिस वक्त मैं लास्ट थी उसे छोड़ के आया था, तो वो बच्ची जो है खड़ी भी हो रही थी और 10-12 कदम वो चल भी रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत बड़ी था। ये कहाँ पर था, दुबई में? ये था अबू जैदी में, बदर जैद एक मुकाम है। अच्छा 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 जी, वहाँ पे। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह कितने वहाँ। बल्कि उस लड़के का नाम था जिसकी बच्ची थी, इसहाक नाम था उसका। अच्छा, क्या नाम था? इत्या इसहाक। इसहाक, अच्छा अच्छा, इसहाक नाम था। नाम भी बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह उनको क्योर किया। कितने साल की थी वो? तकरीबन आप कह दें कि 4 से 5 साल के दरमियान की बच्ची थी, ना वो खड़ी हो सकती थी ना चल सकती थी। डॉक्टर ने ये कह दिया था कि मे भी चल जाए मे भी ना चले। अच्छा। तो वो मतलब है जो ट्रीटमेंट वो करते थे उसमें वो तो उनको जो है ये ताकत की दवाइयां देते थे। अच्छा, ज्यादातर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। फिर उनका मेरे मुझसे रामता हुआ, तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं करता हूँ, तो जब ये बच्ची सो जाए करे, मैंने कहा मुझे सिर्फ आप इतला दीजिए करें कि बच्ची सो गई है। मैंने कहा मैं उसे जो है ना हील अप कर दिया करूंगा। सही सही। तो आपकी दुआओं से जो है ना, और आपकी मेहनत से जो आपने मुझे सिखाया उससे, तो माशाल्लाह जो है ना वो ठीक हो गई। अभी एक और केस आया, बल्कि जी जी माशाल्लाह, टेस्ट ट्यूब बेबी का केस आया मेरे पास। अच्छा अच्छा। नॉर्वे से। ये पहले 4 केस थे, अब एक सुना एक्सपायर हो गया है, तो पीछे रह गए दुनिया में 3 टोटल केस है अब, यानी कि जो जिंदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बच्चे की उम्र भी जो है ये 5-6 साल ही है। वो बैठ नहीं सकता और ना ही खड़ा होना तो दरकिनार, जो बैठ नहीं सकता वो खड़ा क्या होगा। सही। तो अब केस आया है, तो उसके सिलसिले में जो है ना मैंने कुछ बात करनी थी कि अब उसे कौन कौन सी जो है ना मैं समझा हीलिंग की जो है ना वो करवाई जाए उससे। बिल्कुल माशाल्लाह, बड़े अच्छे इस तरह हमदर्द रहे लोगों के साथ, अल्लाह ताला आपको और ताकत देता है। फिर मैं समदा लेवल 7 और समदा 5 को अप्लाई करें, उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन 7 तो उसके आगे भी फर्दर है ना, 7 में के 7 गेट वे ओपन करने के बाद बाकी मैंने करने हैं या? बिल्कुल, ये आपको जो है ना जो आपको इंशाल्लाह आप जरूर खालदा से बात करें, हमारी टीम से किसी भी से बात कर लें, शाहजा से बात करें, एमन से बात करें, तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस कॉल के बाद लाजमी उनको बात करें, वो खुद मास्टर्स हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है जी बेटा, जी बेटा जी, बहुत शुक्रिया आपने याद किया, अल्लाह आपको और खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। अच्छा नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह के अपने ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें, ताकतें अल्लाह हमें दे सकें, पावर दे सकें। इकबाल साहब ने बात कही, इतनी एक मौजूदाती चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला करते हैं एक ऐसे हैरानकुन किस्म की बातें होती है जो कि आपको
यकीन आना चाहिए और आपको जो ये दुनिया है इसको अपनाने चाहिए, इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह और ताकत अता करेंगे और पावर्स को अता करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमें अपने आप को जानने की कोशिश इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो हम साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ, चलो बाद में दीन के हवाले से बता, जब हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं तो हम अपने सलाहों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर अगर आपके पास है उसमें बहुत से प्रोग्राम्स आप जानते होंगे, उनको आप ऑपरेट करते होंगे, मगर बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जो आप ऑपरेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं होंगे उसके। जिस तरह हम कंप्यूटर के, जिस तरह के एक अनाड़ी शख्स से कंप्यूटर के, उनको नहीं पता कि कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करें, दूसरा शख्स जो कंप्यूटर में मास्टर है और कंप्यूटर को बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर सकता है, उसे काम ले सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का कितना फ़र्क है आप खुद अंदाज़ा करें कि एक शख्स को कंप्यूटर नहीं आते हैं, एक को कंप्यूटर आते हैं। इसी तरह अगर हम अपने सलाहों को जान सकें तो जो वही कंप्यूटर की तरह हैं कि एक कंप्यूटर पे कितना चीज़ें बनती हैं, जितने भी आपके आप ये बिल्डिंग्स के जितने भी नक्कूश, जितने भी इनके जो मैप्स जो बनते हैं, सारे कुछ इससे बनते हैं। ये जितने डिज़ाइंस हैं, जितनी किसी भी चीज़ आपको नज़र आते हैं, ये सारे कंप्यूटर पे बनते हैं। कोई भी हर चीज़ आज कंप्यूटराइज हो गई, हर चीज़ कंप्यूटर से बनते हैं। तो कंप्यूटर से जो भी चीज़ें बनते हैं और वो माइंड भी, हमारे सलाहते भी ऐसे ही है, उसी कंप्यूटर की तरह के अगर किसी को आता है इस्तेमाल करें, किसी को नहीं आते हैं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसमें फ़र्क है। इंसानों का फ़र्क सिर्फ यहाँ तक है बस, और कुछ नहीं। कुछ लोग अपने सलाहतों को इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक आते हैं इस पर बात करेंगे, अभी मेरे साथ एक कॉलर कॉल है, कहाँ से हैं, कॉलर है, शामिल हैं, हम उनसे बात करेंगे। फिर आते हैं कि समदा हमारे डेली लाइफ में समदा और हमारा सेहत कैसे काम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब किबला, मैं पीर खान मोहम्मद अनवर खान बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या हाल है पीर साहब, अच्छे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर, आपसे बात हो गई, बड़ी खुशी हुई है सर। मुझे भी खुशी हुई आपके आवाज़ सुन के, मुझे और ज्यादा खुशी होती है आपसे, ज्यादा मुझे होते हैं ना सर। हम आपका बहुत शुक्र गुजार है, आपने जो समदा हीलिंग पावर हमें दी है, सबसे जबरदस्त बात इसमें समदा हीलिंग एनर्जी में ये देखा गया है कि रूहानी भी पावर आ जाती है इंसान के पास, जिस्मानी पावर भी आ जाती है, ज़हनी कल्बी सुकून भी हो जाता है, और किसी किस्म की ना ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। अगर कोई नेगेटिव लोग आ भी जाए तो अल्लाह के हुक्म से, हजरत टाइम मुझे दोगे 2-3 मिनट सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप खुल के बात करें, जितनी मर्जी करें, बिल्कुल जितनी मर्जी करें, प्लीज। कोई ऐसा इंसान आ जाए को वो नेगेटिव इंसान है तो दूर से ना जी कुदरती तौर पे समदा हीलिंग एनर्जी आपकी मदद ऐसी करता है कि उससे ना जी शुआएं अपने आप को महसूस होनी शुरू हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला ने जी उन लोगों से भी हमें महफूज रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महफूज रखता है अल्लाह का शुक्र, ये हमारे तजुर्बात है हजारों। दूसरी बात ये, अभी मेरे पास भी मेरी बेटियां बहनें बनी हुई हैं, मेरे पास बैठी हैं, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये तावीज़ें वगैरह नहीं लेना चाहती हैं, अहले हदीस मसलक से इनका ताल्लुक है, और अल्लाह ताला इनको भी शिफा देता है रब्बुल आलमीन, और इतनी तावीज़ की हमें मोहताजी नहीं है, और अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी फरमा रहे सर जी। बिल्कुल, ये देखे ये समदा का तो यही बेनिफिट है कि ये अगर रूहानी तौर तरीके से इस्तेमाल करते तो उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं होते कि तावीज़ हो गए हैं, फलां हो गए, वो हो गए, क्योंकि वो समदा हीलिंग एनर्जी। तो ये जो आपने हमें ये बात बताई थी कि इसको गैर मुस्लिम भी अपना सीख सकते हैं और बिल्कुल शफा के लिए कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट है हमारे हिंदू बरादरी का है, बहुत से स्टूडेंट है क्रिश्चियन है हमारे, बहुत से स्टूडेंट है बुद्धिस्ट है, इधर अपना इसमें इछरे से आते हैं जी आ रहे हैं, तो मैंने समदा हीलिंग एनर्जी से उनको भी अपना हीलिंग की है,
और अल्लाह का शुक्र है उनके बाल सारे जड़ रहे थे, दाढ़ी के बाल भी बहुत कम हो गए थे, सिर के बाल जड़ रहे थे। सर इसमें समदा हीलिंग एनर्जी में ये बहुत बड़ी बात है कि हड्डियों की तकलीफ, वजूद में से चर्बी खत्म हो जाती है और शुगर बड़ी जबरदस्त कंट्रोल होती है सर इससे। जी जी बहुत बड़ी बात, ब्लड प्रेशर और जबरदस्त इसमें जो देखा गया सर इसमें हीलिंग पावर में जो अल्लाह ताला शिफाई ताकत भेजता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता सही और बंदा एक रिलैक्स माहौल में चला जाता है सर, रिलैक्स माहौल में चला जाता है। और सर जी आपकी नजर करम की वजह से 24 घंटे में मैं सिर्फ 3 घंटे रेस्ट करता हूँ, उसके बाद में जी ज्यादा अल्लाह की हमदो सना में गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे कोई थकावट नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सही सही बहुत बड़ी तो बात ये है, आपकी नजरे करम से हुआ है सर सारा कुछ। जी जी बिल्कुल पीर साहब आपके तरफ से भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखें आपके वजह से आपको देख के ना कि आप क्लास में बैठे हुए थे, एक हमारे स्टूडेंट है जो उन्होंने हमें ज्वाइन किया था और यकीन कैसे रखा कि आप हमारी क्लास में बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने यकीन करके और उनको समदा को हता के मास्टर लेवल तक कर लिए, उन्होंने ग्रैंड मास्टर के भी वो काबिल है, वो ग्रैंड ग्रैंड मास्टर के भी काबिल है ऐसा स्टूडेंट है, और उनकी वजह से तकरीबन उस एक शख्स की वजह से तकरीबन 100 से 150 लोग हमें ज्वाइन किए और दूसरे लोग, और फिर उन पे इतना यकीन लोग रखते हैं जो उन्होंने कह दे वो मान लेते हैं, लोग आते हैं और वो करते हैं। तो आपकी वजह से भी बड़ी सवाब मिल रहे हैं आपको, दुनिया को, आपके जो है ना आपका भी अपना एक माशाल्लाह एक आपका अपना एक इत्मीनान है लोगों में। जी सर हमारा इधर अस्ताना बनाया हुआ है सर, मुझे 14 साल से ये ड्यूटी कर रहा हूँ अल्लाह की मखलूक की खिदमत की, माशाल्लाह, और वापडा से मेरा ताल्लुक है सर जी। और डॉक्टर साहब एक और बड़ी खुशखबरी की आपको ना जी वो कहने लगा हूँ कि यहाँ जो हमने मदरसा बनाया हुआ उसमें 70 बच्चे हो गए और ये डॉक्टर अब्दुल समद साहब के नाम ये मदरसा है सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपके मोहब्बत का, आप लोगों के कि आप लोगों ने ये तमाम चीजें कर दी है और आप लोगों की ये मोहब्बत है और आपका अपने उस्ताद के साथ जो आपका एक दिली खुलूस है, इंशाल्लाह अल्लाह और बेहतर करते रहेंगे। तो हजरत हमने इधर एक प्रोग्राम रखा है, पिछले महीने हमने ऐलान कर दिया है 14 अप्रैल को यहाँ पर आपको नजी खत्म अंबिया अलैहिस्सलाम है और उसमें हमने नजी खसूसी उलमा कराम को दावत दी है जो समदा हीलिंग एनर्जी के उसने ट्रेनिंग भी ली हुई आपसे 1-4 की और उसने अभी तक बहुत दुनिया में को नजी हिल किया और उसको हमने खसूसी दावत दी है कुरान से और हदीस के मुताबिक नजी और समदा हीलिंग एनर्जी को बयान करेगा जी इंशाल्लाह। और तकरीबन 300-350 लोगों को नजी हमने दावत दी है और इसमें उनके लिए खाने पीने का तमाम इंतजाम जो है ना जी वो इनके अपना हमारे ऑफिस इसकी तरफ से स्थानीय की तरफ से। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें भी अगर कोई इस तरह कुछ कुछ भी है तो अगर हम भी हमारा भी हिस्सा उसमें शामिल हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ओ सर जी आपने जो ये हमें मौका दिया बात करने का ये बहुत बड़ी हमें खुशी हुई है। नहीं नहीं ये बात नहीं है, आपका इज्जत आपका कदर हम करते हैं, आपका एहतराम तो करते हैं। मैंने ना जी अपना मदीने में भी, मक्के में भी, रियाज में भी, अपना मुख्तलिफ दुबई में हर जगह पे जाके ना जी समदा हीलिंग एनर्जी को इस्तेमाल किया और एक बंदे ने मुझे सर मदीने में उसको बार बार वॉशरूम जाता था, ज़ईफुल उम्र थे तकरीबन 70-75 साल, मुझे नहीं पता था कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर है यहाँ के। सही, तो मैंने उनको से पूछा अरबी में, मैंने कहा हजरत आप बार बार वॉशरूम जाते हो वजू करके आते हो, कह रहे जी मुझे मसाने की तकलीफ है, तो मैंने कहा जी अगर आप कहें तो मैं आपको हीलिंग करता हूँ, कह रहे जी मैं ये इसको नहीं मानता हूँ इस चीज को, आपको पता है ये मस्जिद नबवी है हम आपको 10 साल के लिए अंदर कर देंगे। मैंने कहा जी अगर आपको शफा ना हुई मुझे अंदर कर दो 10 साल के लिए मदीने में। अच्छा अच्छा, तो सर हमने जिस वक्त उनको हीलिंग दी है तो 20-25 मिनट के लिए वो बंदा ऐसे हो गया जैसे सो ही गया, 20 मिनट बाद जब उठा दोबारा तो वॉशरूम गया वापस आया तो आप उसकी आंखों में आंसू भी आ गए और मुझे बार बार देख रहा है कि ये आपने क्या किया, मुझे बहुत ज़हनी कलबी सुकून हो गया। अगले दिन फिर तीसरे दिन बाद फिर दोबारा आए और उन्होंने सर मुझे दावत दी है, मेरी बेटी को दावत दी है, अपने घर ले गए, अपनी चारों बेगमों से मिलाया, बुजुर्गों ने बेटों से मिलाया, पूरी फैमिली से मुलाकात करवाई, फिर उसने हमारी बेटी को एक
दो ढाई तोले का हार गिफ्ट किया सोने का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर मैं तो कह रहा हूँ समदा हीलिंग एनर्जी एक ऐसी पावर है कि दुनिया में हर बंदे को सीखनी चाहिए। सही। और दूसरा ये है सर कि इसमें ये जो आपने सिस्टम इसका रखा हुआ है कि एक अनपढ़ किसी को अलिफ बे भी ना आता हो वो भी सीख सकता है। सही, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। अगर किसी को कोई भी इलम ही नहीं है उसके पास, वो भी सीख सकता है इसको। ये समदा हीलिंग एनर्जी ऐसी जबरदस्त पावर है सर। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी प्रोग्राम का वक्त नहीं, आपने बहुत बड़ी बातें कही, बड़ी अच्छी बातें कही, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दें और इंशाल्लाह हम साथ साथ हैं। फौजी ऑफिसर बैठे सब आपको सलाम दे रहे हैं सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरे भी सबको सलाम कह दे, सब आपके मुरीदों को सलाम दे, आपके मुरीदों को और सबको मेरा सलाम कहना और मेरे अजीज शागिर्दों को सलाम कहना, इंशाल्लाह फैमिली वालों को सलाम कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त नहीं है, इस वजह से मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता पीर अनवर साहब से। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ये इनकी मोहब्बत है, इनकी दिली खलूस है कि मेरे नाम से उन्होंने एक मदरसा बनाए और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मुझे मेरे नाचीज के मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उन्होंने एक मुझे ऑनर दिया, बहुत शुक्रिया उनका। तो हम चलते हैं प्रोग्राम को अख्तिताम की तरफ और इस पर इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करते रहेंगे सीक्रेट स्पेस चीज़ों पे। बस एक रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट से कि प्लीज़ इसको दूसरों पे अप्लाई करें ताकि आपको बेस्ट और बेहतरीन रिजल्ट मिले, आपके यकीन बढ़ जाएं। तो इस तरह जिस तरह के डॉक्टर साहब था उन्होंने कॉल किए इस प्रोग्राम में, बाकी जो है ना जफर खान साहब, जो फिर इकबाल साहब ने कॉल किए और फिर पीर साहब ने कॉल किए, ये तमाम जो है ना जितने भी उन्होंने कॉल किए इन लोगों का जो तजर्बात आपने सुने, इस तरह स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के तजर्बात को लें क्योंकि ये लोग अच्छी तरीके से अप्लाई करते हैं दूसरों पे भी और अपने पे, तो उस वजह से उनको इतना अच्छे रिजल्ट मिलता है, उम्मीद है। और वैसा रिजल्ट तो हर किसी को मगर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए लोगों की हमदर्दी कर ले, प्लीज़ लोगों के आमदर्द बने और ये बहुत बड़ी खैरात है और बहुत बड़ी सदका है। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दे, परवरदिगार आपको और ताकत अता फरमाएँ। अल्लाह हाफिज़।